मैं आपको कड़वा बोलता हूं, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, क्योंकि मैं वाकई में ही वैसा हूं, बोलने के लिए वैसा नहीं हूं बेटा, मैं हेल्दी रहता हूं। मेरा कोई स्टाफ भी मुझे अगर अनहेल्दी दिखता है, मैं उसे भी टोकता हूं। मैंने बोला इस मटके का क्या करेगा, हैं मटके का क्या करेगा इसका, बच्चों को बैठा बैठा के झुलाएगा मटके पे? अरे कम कर ले यार, हेल्थ है तो जहान है, वरना भगवान ना करे एक बार बीमार हो गया, हॉस्पिटल में जाते तेरा 4-5 लाख का पैकेज तैयार कर देंगे वो। तो अगर आप हेल्दी है ना, तो बेटा बहुत पैसे बचा रहे हो आप, क्योंकि जितना हेल्दी रहने में पैसा नहीं लगता, हॉस्पिटल में एक बार जाते शरीर का नाश हो जाएगा, एक बार ये शरीर कहीं से भी कटेगा ना तो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। हेल्थ का ध्यान रखो। तो क्यों मेरे प्रवचन सारे सुनते हैं, उनको पता है सर हेल्दी है। अब मैं खुद मटका लेके बैठा हूं, ठीक है, पेट वेट निकला हुआ है, अनहेल्दी हो, तुम्हें कह रहा हूं हेल्दी रहो हेल्दी रहो, दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा, पहले खुद तो रह ले। अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूं पागलों की तरह, क्या बोलता हूं पागलों की तरह, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मेहनत कर लो, मरोगे नहीं, मेहनत कर लो। मैं नहीं मरा तो तुम कैसे मर सकते हो, मेहनत करो। मेहनत करके मैंने लोगों को कामयाब होते देखा, मरते नहीं देखा, क्योंकि बेटा मैं खुद मेहनत करता हूं। आपको पता है मैं 4 घंटे सोता हूं, उसके अलावा आपके असाइनमेंट तैयार करना, नई नई चीजें आपके लिए प्लान करना, सुबह से शाम तक बैच लेना, मैं भी तो बैच कम ले सकता हूं, इसीलिए मैं आपको डांट फटकार के, ठीक है, बोल सकता हूं। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो मेरे पुत्र। कोरोना ने एक ही बात सिखाई है, ऐसा नहीं है कि जयदीप सर कोरोना के बाद बदले। ऑफलाइन मेरे बच्चों को पता है कोरोना से पहले भी मैं इसी वसूलों पे चलता था, लोगों को तो कोरोना के बाद में समझ आई है कि हेल्थ ही सबसे अच्छा जहान। तो बेटा हेल्दी रहो, अच्छा खाओगे हेल्दी रहोगे, ये बात दिमाग में बैठा लो। और तुम कम से कम 6-7 घंटे की नींद लो, तुम 4 घंटे की नींद मत लेना, उम्र बड़ी होती है तो नींद कम हो जाती है, ठीक है। तो अभी 6 घंटे की मिनिमम लो बेटा, 6 से 7 घंटे, इससे कम सोओगे बीमार हो जाओगे। 6 से 7 घंटे की नींद, अच्छा खाना, ठीक है, बस मजा आ जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कितने बैच, बेटा 9 बजे तुम्हारा चालू होता है, तुम देखते हो 9:15 बेटा, 9 बजे सारा सिस्टम वगैरह रेडी करके 9 बजे मैं खड़ा हुआ, 9 बजे से लगातार 5 बजे तक क्लास है बेटा, 9 बजे से लगातार, 5 है तो 5:15 कर देता हूं, प्रैक्टिस बैच होता है भाई, 5:15 तक क्लास है बेटा। उसके बाद इस सारे बैचेस के असाइनमेंट जो प्रैक्टिस बैच है उसमें नए नए करा रहा हूं, उसमें वो असाइनमेंट रेडी कराना बैठता हूं, ठीक है, वो असाइनमेंट रेडी करता हूं। आपको बताया ना, मैं खुद क्वेश्चन लिखता हूं, नया क्वेश्चन सोचता हूं, ड्राइव करता हूं, उस कंटेंट को तैयार करने में दिन के मेरे 2 से 3 घंटे, ठीक है, 2 से 3 घंटे इसमें जाते हैं। तो बेटा 9 से 5 तो 5 से 8, कितने बजे फ्री हुआ मैं, 8 बजे, कितने बजे लगा बेटा सुबह, 9 बजे, समझ रहे हो, ठीक है। उस पर फिर उसके बाद इंग्लिश वोकैब की किताब पर काम, रात के 1-2 करीब मुझे बच जाता है, फिर बेटा 1-2 बजे सो, ठीक है। आप देखते नहीं हो कई बार इंस्टाग्राम पे मैं मोटिवेशनल कोट डाल देता हूं, यूट्यूब पे डाल देता हूं, ये रात को 1-2 बजे के करीब ही मिलते हैं वो, ताकि दूसरा बच्चा देखे तो उसे लगे हाँ सर जग रहे हैं हमारे लिए, सर भी मेहनत कर रहे हैं हमारे, हम भी मेहनत करेंगे। तो मैं जान पूछ के रात को 2 बजे के करीब कई बार डालता हूं पोस्ट, और बच्चों के कमेंट आने चालू हो जाते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है हाँ बच्चा भी पढ़ रहा है, तब आती है ये मेहनत, ठीक है। फिर 2 से 6 सो लिया बेटा, 6 बजे उठे, एक्सरसाइज की, ठीक है, फिर 9 बजे से फिर काम चालू। तो यही चीज मैं चाहता हूं बेटा आप अपने ऊपर डालो। चलो पुत्र ध्यान दो। और रात को भाई साहब ऐसे में 9:30 बजे भी क्लास लेनी पड़ेगी तो होगी बल्ले बल्ले, रात की एक क्लास छूट गई, इसमें रात की एक क्लास छूट गई, 8 बजे के बाद कई बार ये हो जाता है 9:30 से क्लास, तो उसका कंटेंट फिर अलग तैयार करो, वो फिर पढ़ाई में गया। इसलिए जिस दिन यूट्यूब पर क्लास हो जाती है तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूं, ठीक है। ये 3 ध्यान रखो बेटा। तो मेहनत करने से कोई नहीं मरा, ठीक है, मैंने करके देखिए, मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं, हां भगवान की दया से मैं कामयाब जरूर हो गया, ठीक है, कामयाब जरूर हो गया, साइकिल थी तो ओडी बीएमडब्ल्यू तक पहुंच गए, कामयाब जरूर हो गया बेटा, मरा नहीं। आओ मेरे पुत्र यही काम तुम करोगे आज के बाद, देखो बेटा।